नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला G31 वर्सेस पोको X4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G31 में 6.35 इंच जबकि X4 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Moto G31 में 2.94 इंच जबकि X4 Pro 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G31 में 0.33 इंच जबकि X4 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G31 में 180 ग्राम जबकि X4 Pro 5G में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Moto G31 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G31 में 6.4 इंचेस जबकि X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G31 में 82.24% जबकि X4 Pro 5G में 86.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G31 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि X4 Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G31 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और X4 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G31 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G31 में Mali G52 MC2 जबकि X4 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G31 में MediaTek Helio G85 और X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G31 में 2 कलर्स जबकि X4 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो मोटो G31 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X4 Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटोरोला G31 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको X4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X4 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Samsung Galaxy M31 Prime है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।